हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो टाइम वेस्टिंग हैबिट्स हैं उन्हें हम कैसे हैंडल करें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम ऑलरेडी करने लग गए हैं जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को दूर करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच और आज इस वीडियो के जरिए मैं आपकी कुछ टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उन्हें आपके शेड्यूल से दूर करना है और कैसे एक नया शेड्यूल बनाना है जिसमें आपके कोई भी टाइम वेस्टिंग हैबिट्स ना हो, इन सभी पे हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके पीछे का कारण है इन हैबिट्स को दूर करना। आज अगर कोई चीज में ग्रोथ हो रही है, चाहे वो टेक्सटाइल बिजनेस हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट कोचिंग हो, चाहे आपसे जुड़ने का ये मौका हो, ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है जब हम हमारे टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं और तभी जा करके स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ कैसी हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस चल रहा है उसे हम चलाते जा रहे हैं। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहां पर हम 3 फैक्ट्री के ओनर थे, चौथी फैक्ट्री के मशीनरीज बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, ये सब कुछ मुमकिन है जब हम हमारे कुछ हैबिट्स पे काम करें और उन हैबिट्स को हमारे शेड्यूल से दूर कर दें। जैसे ही आपकी ये हैबिट्स दूर हो जाएंगी, आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा और जितना आसान आपके लिए आगे बढ़ना होगा उतनी कंफर्टेबल लाइफ आपकी बन जाएगी। आपके मन में ऐसा आ सकता है कि कुछ हैबिट्स जो ऑलरेडी आपके अंदर हैं और उनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तो डेफिनेटली वो हैबिट्स हमें पूरी करनी होंगी। लेकिन कुछ कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिससे अच्छा भी महसूस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें किए जाते हैं क्योंकि हमने एक बार किया था किसी के कहने पे और आज हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ हैबिट्स को हम दूर करेंगे ताकि आपके पास सिर्फ वही हैबिट्स रहे जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और जिन्हें आप खुद मन से चाहते हैं कि मैं ये करूं। तो उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उस पर काम करना है, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और उन एक्टिविटीज को अगर हम बाहर निकाल दें, उन हैबिट्स को अगर हम बाहर निकाल दें तो हम कंफर्टेबल भी रहेंगे, प्लस हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी एड ऑन कर सकते हैं जो हमें ग्रोथ दिलाए। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ऐसी कोई एक्टिविटीज मैं करता ही नहीं हूं, तो क्यों ना हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे शेड्यूल में से कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने की थी। होता यह है हम उन एक्टिविटीज को करते जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये हम कर रहे हैं, हमें वो फील नहीं होता कि इन एक्टिविटीज को हम दूर कर सकते हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आपको करनी है। और वो एक्टिविटी क्या है, आपको पिछले हफ्ते में आपने जो जो भी काम किया था उन सभी कामों की लिस्ट बनानी है कि मैंने इतना टाइम जो है वो व्हाट्सएप यूज़ किया था, इतना टाइम सोशल मीडिया यूज़ किया था, इतने लोगों से मैं मिला था, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था, जो जो भी काम आपने किया था उन सभी कामों की एक लिस्ट आप वहाँ पर बनाइए कि ये सभी काम हमने पिछले हफ्ते में पूरे किए थे। अब वो लिस्ट बनाने की बात क्या करना है, आपको हर काम के आगे एक IPA इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी और NIPA नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, IPA NIPA इन दो वर्ड्स में उन सभी के आगे मार्क कर देना है कि ये IPA है या NIPA है। अब मुझे बताइए IPA कौन से हुए और NIPA कौन से हुए। एक एक्टिविटी ऐसी है जो आपको महसूस होती है कि इस एक्टिविटी की वजह से हम कंफर्टेबल हो रहे हैं और इनकम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आप कर लेते हैं और बाद में आपको फील आता है कि यार यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया, वो NIPA है जहां से आपको कोई इनकम प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूंगा, एक एक्टिविटी है फैमिली टाइम, आप परिवार के साथ समय स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली टाइम, अब वो IPA है या NIPA है, आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर आप उसे IPA मान रहे हैं तो आप कहेंगे इससे कौन सा इनकम प्रोड्यूस हुआ, और आप NIPA मान रहे हैं तो आप कहेंगे कि हाँ ये NIPA है, लेकिन क्या परिवार के साथ टाइम देना चाहिए, इन दोनों के साथ कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। दोस्तों, जो फैमिली टाइम है उस टाइम को स्पेंड करने के बाद आपका वर्किंग टाइम कैसा होता है, क्या आपका वर्किंग टाइम कंफर्टेबल होता है, जहां पे आप फोकस रहते हैं, जहां पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं?
तो ये आईपीए है। और कहीं पर फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों के साथ, और वो टाइम आपने सोचा होता है कि चलो आधा घंटा करेंगे, लेकिन उस आधे घंटे की जगह पे वो डेढ़ दो घंटे हो जाता है, और इवेंचुअली आप सोचते हैं कि यार यहाँ पे टाइम भी वेस्ट हुआ और मूड जो है वो उतना अच्छा नहीं बन पाया, या उतने कंफर्टेबल आप नेक्स्ट डे नहीं रहे जिससे आप इनकम प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो वो एनआईपीए है। तो ये आईपीए और एनआईपीए का कनेक्शन कैसे बिठाना है ये मैंने आपको बताया, और उस तरह से आप हर एक्टिविटी को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आईपीए एनआईपीए। और अब हम बात करेंगे ये जो एनआईपीए एक्टिविटीज हैं उन्हें कैसे इवेंचुअली हमारे शेड्यूल से दूर करना है। तो जैसे ही आपने आईपीए और एनआईपीए में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसके बाद कुछ कुछ एनआईपीए एक्टिविटीज में आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये वाली एक्टिविटी आईपीए है एनआईपीए है, ये कंफ्यूजन है। तो उसमें सिर्फ एक चीज आपको करनी है, आपको डिसाइड करना है कि ये एक्टिविटी मैंने कब शुरुआत की थी और क्यों इसकी शुरुआत की थी। जो भी एक्टिविटी आपको कंफ्यूजिंग लगती है कि ये वाली एक्टिविटी क्यों है लाइफ में, ये नहीं होनी चाहिए थी, आपको सिर्फ वहां पर चेक करना है कि ये मैंने शुरुआत कब की थी और क्यों की थी। आप जैसे ही उसकी शुरुआत कर देंगे आपके पास उसका आंसर आ जाएगा कि अच्छा ये इसलिए शुरुआत की थी लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। ये जवाब आपको कब मिलेगा, जब आप इस एक्टिविटी को पूरा करेंगे, या कुछ कुछ में आपको मालूम चल जाएगा कि ओ यस मैंने इस चीज के लिए एक्टिविटी शुरू की थी। मतलब आप, हो सकता है कि कोई एक्टिविटी को आप शुरू करते हैं जब आप स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब वो स्ट्रेस नहीं बचा है लेकिन फिर भी वो एक्टिविटी कंटिन्यू है, तो चलिए उसे हम दूर करते हैं। तो इस तरह से आप उसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और अकॉर्डिंगली आप उस इंपॉर्टेंस के बाद जो भी वहां पर चेंजेस लाने हैं वो लेकर के आएंगे। दोस्तों वो चेंजेस कैसे आएंगे और हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर कोई भी आईपीए एनआईपीए को अगर रिमूव करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक नई सोच को डेवलप करना होगा। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे आसपास में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो, अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह पे पॉजिटिव 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 लिख देंगे और पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो जाएगा। आपको उसके लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी। जैसे अगर आप घर में, आप अगर घर में देख रहे हैं कि कुछ निगेटिविटी फैली हुई है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, अब आप बार बार जा करके हंस करके खुश होकर के बात करेंगे तो माहौल अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर कुछ ऐसी चीजें लगानी होंगी जिससे माहौल अच्छा हो। अब वो ऐसी चीजें कौन सी हो सकती है, एक हो सकती है आप पेड़ पौधों को लगाइए अगर बाहर जगह है तो, नहीं तो अपने घर में कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, कुछ पेंटिंग्स ऐसी एड ऑन कीजिए जिससे माहौल चेंज होता दिखे। तो ऐसा ही कुछ हमें हमारे बिजनेस में, हमारे शेड्यूल में करना होगा उन टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को बाहर निकालने के लिए। और वो क्या है, वो है हमारे गोल्स। मैं जब भी सवाल पूछता हूँ, मेरे जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपका गोल क्या है, गोल रहता है कि मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। दोस्तों ऐसा गोल जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है उसका क्या फायदा। एक ऐसा गोल आप सेट कीजिए जिसका एक सेट टाइमलाइन हो कि ये सेट टाइमलाइन कौन सा है और उस सेट टाइमलाइन तक मुझे क्या अचीव करना है। जैसे मार्च ऑफ दिस ईयर इतना टर्नओवर में ना होना चाहिए, ये आप जब डिसाइड कर लेते हैं तो वो आपका स्पेसिफिक गोल होता है। हाँ, मुझे सक्सेसफुल इंसान बनना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, ये गोल सेट करना मतलब अपने आप को अंधविश्वास में ढकेल देना जैसा है। आपको ही नहीं पता कि आप क्या अचीव करने वाले हैं। तो इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक गोल सेट करें और उस गोल सेटिंग के साथ ही प्रायोरिटी सेट करें कि कौन सा काम है जो उस गोल की तरफ मुझे लेकर के जा रहा है, और उस गोल को आप प्रायोरिटी में सेट करें। अब यहां पर मैं एक सीक्रेट टाइम मैनेजमेंट टिप दे रहा हूं जो आप किसी को मत बताना, मेरी रिक्वेस्ट है किसी को नहीं बताना, सिर्फ आपके पास रखना। आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें आपको हमेशा के लिए दूर करना है लेकिन आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, उन हैबिट्स को, उन हैबिट्स के टाइमिंग पर आप आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रख लीजिए जो आपके गोल की तरफ बढ़ने वाले हैं। आपके गोल की तरफ बढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपके उन हैबिट्स की जगह पर, उसी टाइमिंग पर रखिए जब आप वो हैबिट के लिए बढ़ते हैं, और उस काम को पूरा कीजिए। दोस्तों ये वाली चीज जैसे ही आप कर देंगे, आप देखेंगे आपकी वो हैबिट्स भी दूर हो जाएगी और उसी के साथ साथ आप एक
कंफर्टेबल ग्रोइंग लाइफ को अपने पास आते हुए देखेंगे। अब इस कंफर्टेबल ग्रोथ के साथ ही आपको क्या करना होगा, आपको एक नया शेड्यूल बनाना होगा कि अब मेरा शेड्यूल क्या है। देखिए, अब इस शेड्यूल में आप जितने NIPS को दूर कर सकते हैं वो कीजिए। एक साथ सारे होंगे मैं नहीं कहता, लेकिन आप क्या कीजिए, बारी बारी से एटलीस्ट हर हफ्ते 2 NIPA को दूर करने के बारे में सोचिए। एवरी वीक 2 NIPAs आउट और 2 न्यू IPAs इन, 2 नए IPAs को अपने शेड्यूल में हर हफ्ते एड ऑन कीजिए। आप देखेंगे आपका जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिजी बनेगा, लेकिन मैं जो कहता हूँ प्रोडक्टिव वाला बिजी बनेगा। और बिजी रहना प्रोडक्टिव कामों के साथ ये हमेशा अच्छा है, जबकि बिजी रहना नॉन प्रोडक्टिव कामों के साथ ये हमेशा खराब है। सो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज के साथ बिजी रहिए या NIPS से बिजी रहिए, ये आपका चॉइस है। मेरी रिक्वेस्ट है NIPS को दूर कीजिए, IPS को ऐड कीजिए और देखिए आपका नया शेड्यूल कितना बेहतरीन बनता है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज ऐड करनी होगी, आपको पॉजिटिव ब्रेक्स ऐड करने होंगे। अगर आप सारे ही IPS को करते जा रहे हैं तो इसका ये मतलब होगा कि आप परेशान भी होंगे और स्ट्रेस भी होगा, तो वहां पर प्रोडक्टिव ब्रेक्स होने बहुत जरूरी है। अब ये प्रोडक्टिव ब्रेक्स कैसे लेना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक YouTube वीडियो बना दिया है, आप कार्ड्स में उसका लिंक देख सकते हैं और उसे जाकर के देख सकते हैं कि कैसे ये पॉजिटिव प्रोडक्टिव हैबिट्स ब्रेक्स हम बना सकते हैं, ये आप वहां पर जरूर चेक कर सकते हैं। अब ये ब्रेक लेना कब है, ऐसा क्या हम करें जिससे हमें मालूम चले कि ब्रेक टाइम हो गया है, तो उसके लिए आप टाइम ट्रैकिंग टूल्स को इस्तेमाल कीजिए। आप सर्च कीजिए टाइम ट्रैकिंग टूल्स, ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे, जैसे पोमोडोरो टेक्निक है, ऐसे टेक्निक आपको मिलेंगी जो आपको बताती है कि इतना टाइम हो गया है। या फिर अगर मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही अच्छा टूल है जो मैं इस्तेमाल करता हूं, एक टेल मी द टाइम करके टूल आता है जो आपको टाइम बताता है और उसमें सेटिंग है, आप हर मिनट, हर 5 मिनट, हर 10 मिनट, हर 15 मिनट में टाइम बताने के लिए उसको कह सकते हैं और वो उस टाइम पे टाइम बता देगा। जैसे अभी 10 बजे हैं और आप कहते हैं कि एवरी 15 मिनट्स मुझे बताना कि 15 मिनट हो चुके हैं, सो दैट आई विल बी ट्रैकिंग द टाइम, वो आपको 10:15 बोल देंगे, 10:30 इतना सा ही वो ऐप बोलेगा, लेकिन आप उस टाइम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि अच्छा 15 मिनट में इतना काम हो गया है, 30 मिनट में इतना काम हो गया है, लेट्स टेक अ ब्रेक, और आप वहां पे ब्रेक ले सकते हैं। इस तरह से आप टाइम ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि NIPA नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज के साथ आपका शेड्यूल एक बार इमेजिन कीजिए। आप आज के 5 साल पहले जहां पर थे आज भी आप वहीं पर हैं, क्योंकि आपकी IPAs कम है, NIPAs ज्यादा है। अब इस सिचुएशन को उल्टा कर देंगे, NIPAs को जीरो कर देंगे और IPAs को बढ़ा देंगे, जिससे आप हमेशा कंफर्टेबली ग्रो करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली काम कर रहा है तो एक लाइक बटन में जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही और कंटेंट आपको चाहिए जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर के और इम्प्रूव कर सकें, तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई फ्रेंड है जो हमेशा कहता है कि कंप्लेंट करता रहता है कि यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ खराब चल रहा है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनके NIPS को दूर करना है, IPS को बढ़ाना है। दोस्तों मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऐसे ही अलग अलग कंटेंट आपसे मिलते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरी बुक समय नहीं है नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो के साथ, इस लिंक के साथ उस बुक को जरूर देखें और कोशिश करें कि अगर आपके पास समय नहीं है तो उस बुक के जरिए आप समय जनरेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। गुड बाय।